वादक और एक टाइपिस्ट, दोनों का फर्क देखा है क्या? आधा मरी हुई जिंदगी जी रहा है, मैं पल पल को जीना चाहता हूँ। तो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, कैसे हैं भक्तों आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे, और क्यों ना अच्छे हों भाई, आजकल तो आप ही लोग की जिंदगी क्या जिंदगी है, मतलब हर जगह आपका जलवा। खैर जलवा भले ही कितना भी दिखा लो, लेकिन तुम लोग की ज़िंदगी में ना ज़रा भी फ़र्क नहीं है। मतलब मोदी जी को फॉलो करते हो लेकिन उनसे कुछ भी नहीं सीखते हो यार तुम लोग। देखो अभी हाल में ना क्या हुआ है कि मोदी जी ने कंप्यूटर ऑपरेटर की तारीफ़ करी है, साथ ही साथ तुलना की है एक गिटारिस्ट से, क्योंकि दोनों जो है उंगलियों से काम करते। कैसे करते? उंगलियों से, बिल्कुल ऐसे। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो जो है वो उंगलियों का जो फ़र्क बताते हैं कि दोनों काम तो एक ही करते हैं उंगलियों पे, लेकिन उन्होंने गिटारिस्ट की क्या तारीफ़ करी कि भाई उसकी ज़िंदगी ज़िंदगी है। वो यानी कि जब अपने शुरुआती दौर में वो काम करता है और 80 की उम्र में पहुँचते पहुँचते वो उंगली चलाते चलाते उसका सर ऊंचा हो जाता है, और कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़िंदगी जो है उंगलियाँ चलाते चलाते उसका सर झुक जाता है, यानी उसकी ज़िंदगी एकदम डिट्टो बोरिंग है। सही बात है, बोरिंग तो बहुत बोरिंग है। मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर कोई ज़िंदगी है यार? टेबल पे बैठे बैठे ज़िंदगी गुजार दो, हमें भी बिल्कुल नहीं पसंद ये काम, बिल्कुल नहीं पसंद है हमें, टाइपिंग करते रहे जाओ नहीं होता यार, अपने को भी मज़े चाहिए लाइफ में। बिल्कुल पीएम मोदी की तरह भाई, हेलीकॉप्टर पे घूमना, रोज़ नए नए कपड़े पहनना, रोज़ शॉपिंग करना, अपने को बहुत शौक है। हाँ लेकिन क्या करें, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। मिडिल क्लास लोग, मिडिल क्लास क्या करे, उसकी उंगलियाँ चलती हैं चलती हैं चलती हैं, जहाँ से शुरुआत होती है वहीं जाके ख़त्म हो जाती है। मतलब जहाँ से वो शुरू करता है उसकी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन पीएम मोदी जी आपने बहुत अच्छी तरीके से क्या कंपैरिजन किया है, वाह वाह। बस कंफ्यूज हम इस बात से हो रहे हैं, आपने तारीफ की है या आलोचना? एक सितार वादक और एक टाइपिस्ट, दोनों का फर्क देखा है क्या? एक कंप्यूटर ऑपरेटर उंगली को ही खेल करता है, लेकिन 45-50 की उम्र पहुंचते हुए कभी मिलोगे तो बड़ी मुश्किल से ऊपर देखता है, एक दो बार बोलो तो सुनता भी नहीं है। आग्रह से कहो, हाँ साहब क्या था? आधा मरी हुई जिंदगी जी रहा है, जिंदगी बोझ बन गई है, करता तो उंगली का ही काम है, टाइपराइटर पे उंगली ही घुमाता है, और दूसरी तरफ सितार वादक वो भी तो उंगली का खेल करता है, लेकिन उसको 80 साल की उम्र में मिलिए चेहरे पर चेतना नजर आती। लेकिन मोदी जी शायद आपको पता नहीं, अगर यही कंप्यूटर ऑपरेटर अपना सर उठा देना तो आपका जो ट्विटर जो ट्वीट करके यानी जो टाइप करता है वो कितना गड़बड़ हो सकता है। आप तो खुद बैठ के करते नहीं होंगे ना, आपने कंप्यूटर ऑपरेटर ही रख रखा होगा, आपके जो लेटर्स हैं, आपके जो बहुत सारी जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो भी आपके जो भी लिखवाते हैं, जो कुछ भी आप लिखवाते हो वो एक कंप्यूटर ऑपरेटर ही लिखता है। अगर उसने अपना सर उठा दिया ना तो आपके लफ्ज़ों का ऐसा हेर फेर होगा कि आप भी सोचते रह जाएंगे कि हाय मैंने किसको कंपेयर कर दिया। लेकिन मैंने कंपेयर किसको कर दिया, मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर को भी ना आप जो है हल्के में मत लीजिए, अगर वो सर उठा दिया तो आपका सर ना झुक जाएगा ऐसे, तो इसलिए उसकी तुलना गिटारिस्ट अगर आप करते तो नॉट फेयर। हाँ इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? खैर कोई बात नहीं, एक और राज उन्होंने एक और बात कही है, उन्होंने एक और बात कही है कि सब लोग पूछते रहते हैं ना कि मोदी जी थकते क्यों नहीं, थकते क्यों नहीं, इतना काम करते हैं, इतने बड़े बड़े काम करते हैं, आपको पता है कैसे कैसे काम करते हैं, ट्वीट करते हैं। वो जो है थकते नहीं, वो भाई 24 घंटे नहीं, 24x24 कितना हुआ उसका, डबल काम करते हैं वो, ठीक है 24 घंटे में सोते ही नहीं है वो। खैर वो हमेशा बताते रहते हैं ना कभी कुछ, लेकिन आज उन्होंने असली बात बताई है, आप खुद ही सुनिए क्या बताया उन्होंने। लोग मुझे पूछते हैं कि साहब थक नहीं लगते हो? शायद यही कारण है जो मुझे थकना नहीं देता है, मैं पल पल को जीना चाहता हूँ, पल पल को जी करके औरों को जीने के लिए जीना चाहता हूँ। दूसरी बात आप ये कहते हैं कि ज़िंदगी है, ज़िंदगी को इंजॉय करना चाहिए, मतलब जितना हो सके अच्छे से जीना चाहिए, ठीक है खुल के जीना चाहिए, लेकिन आप खुद ही बताएं आपने खुलने दिया है किसी को? आम आदमी परेशान,
महंगाई से और किसी हर घरेलू सिलेंडर बैग बिजली सब सब तो इतनी गर्मी आए पता है, इतनी गर्मी हो रही है और लाइटें ऐसी जा रही है कि पूछो मत क्या करा जाए। आपने कोई ऑप्शन दिया है कि इंसान खुल के जी सके? आपने कोई ऑप्शन दिया है कि वो खुल के सांस भी ले सके? उसने महंगाई से आपने ऐसा सबको ना खुलने तो छोड़िए, खुलना तो छोड़िए कि वो खुल के जिए, वो जी ले बड़ी बात है। खैर अब आप कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही कह रहे होंगे, हम कहाँ अपना दिमाग लगा रहे हैं ना, आप कह रहे हैं तो कुछ तो बात होगी ना। अब जैसे देखिए ना, आपके बाप कहते हैं नहीं भाई महंगाई बढ़ी है तो आय बढ़ी होगी, तो भाई कुछ सोच के ही आप कर रहे होंगे ना, आपका दिमाग कुछ ना कुछ तो चलता ही एक्स्ट्रा। अच्छा हम लोग कहाँ आम इंसान हैं, कोई बात नहीं, सॉरी। तो जैसा कि मोदी जी ने अपने ना थकने का राज बताया है, तो आप हमें बताइए कि उनकी इस सोच से आप कितनी सहमत हैं और कितना नहीं सहमत हैं, और एक कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़िंदगी और एक गिटारिस्ट की ज़िंदगी को कंपेयर उन्होंने कितने अच्छे तरीके से किया है, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।